बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपका प्रेडिक्टेड स्कोर बताना है कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपको एक जस्ट प्रेडिक्शन बताना है कि हाँ मेरा कैलिबर 150 करने का है, मेरा 160 करने का है, 120 करने का है, जो भी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके सोर्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कि कहां से आपके एमएससी सीटी 2023 में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम से क्वेश्चन उठाए जाने वाले हैं, कौन कौन से बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यार, एक यूट्यूबर है जो मेरी एग्जैक्ट कॉपी कर रहा है, ठीक है। मैं जैसे बात करता हूँ वैसे ही वो बात करना चाहता है, ठीक है। मैं जैसे आपको बताता हूँ कि बच्चा आपका फेवरेट कॉलेज बताओ या फिर आपका कितना प्रेडिक्टर स्कोर है, जैसा मैंने आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये सब चीजें वो एज इट इज कॉपी कर रहा है, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो डालता हूँ 2-3 दिन बाद तुरंत उस टॉपिक के उससे वीडियो आ जाते हैं, ठीक है। मैंने सपोज कट ऑफ के ऊपर वीडियो डाला तो उसका कट ऑफ के ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसको बैकअप है एक बड़े टीचर का, ठीक है। बड़े टीचर ने उसको सपोर्ट किया है। मैं उन बड़े टीचर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने एमएसटी सीटी में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट यूट्यूब पे डाल के रखा है, तो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन जो यूट्यूबर है उसको समझना चाहिए कि आप कॉपी नहीं करो, ठीक है। आपको अगर बच्चे को कोई प्रॉफिटेबल चीज देनी है ना तो दो आप, लेकिन कॉपी मत करो, किसी को कॉपी मत करो, ठीक है। आप जो कर रहे हो गलत है, ठीक है। और ऐसा है ना कि क्रैश को स्टार्ट किया हमने तो तुरंत क्रैश को स्टार्ट करने लगे, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, वो एक ही बंदा नहीं लेकिन बहुत सारे है। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया हमने, सारे मॉक टेस्ट स्टार्ट करने लगे। आप ये भी तो देखो, आप सिलेक्शन देखो, लास्ट 3-4 सालों से कॉन्टेंट डाल रहे, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी, हाँ 4 साल पहले काउंसलिंग मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है, जब चैनल स्टार्ट किया था 3 साल पहले। तुरंत दूसरे ईयर तुरंत काउंसलिंग शुरू। इनको काउंसलिंग का वर्ड भी नहीं पता था, ठीक है, वर्ड भी नहीं पता था कि काउंसलिंग होता क्या है, कॉलेज लिस्ट बनाते कैसे। तो कॉपी मत करो आप चीजों का, आपका अंदर कुछ इनोवेटिव है ना और जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है वो आप खुद लाओ, ठीक है, कॉपी मत करना। चलो इन बातों को छोड़ते हैं यार, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आपके सोर्स ऑफ क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एमएससी सीटी में, ठीक है। तो पहला बेसिक आपका सोर्स होता है वो है एचएससी बुक, जो कि सबको पता है कि एचएससी बुक में लाइन टू लाइन उस वहाँ की उठाई जाती है। केमिस्ट्री में तो लाइन टू लाइन उठाई जाती है, मैथ्स में भी आपका एज इट इज कॉन्सेप्ट उठाया जाता है, सिर्फ वैल्यूज वगैरह चेंज कर दी जाती है, एज इट इज फॉर्मूलाज वगैरह, मेजॉरिटी पार्ट आपका एचएससी बुक। लेकिन सिर्फ एचएससी बुक करने से क्रैक हो जाती है क्या? नहीं होती, ठीक है। आपको और भी कुछ एडिशनल चीजें करनी होती है, जैसे कि एमएससी सीटी क्वेश्चन उठाता है आपके ऑल ओवर इंडिया में जो सीटीज कंडक्ट होती है वहां से उठाता है। तो आप बोलोगे भैया हमें ऑल ओवर सीटीज के क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे? मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट इस प्रकार से डिजाइन की गई है, आपके कर्नाटका सीटी, गुजरात सीटी, वेस्ट बंगाल जी, सारे जो सीटीज होते हैं ना, स्टेट सीटीज, उनके क्वेश्चंस भी मॉक टेस्ट में डाले गए ताकि वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप वो सॉल्व कर सको, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स जो आपके बोर्ड्स के एमसीक्यूज होते हैं, बोर्ड्स के एमसीक्यूज भी पूछ ले, बोर्ड्स के एमसीक्यूज भी डाले के, हाँ हमने बोर्ड्स के एमसीक्यूज भी उसमें डाल दिए, ठीक है। तो जैसा पेपर बनता है ना आपका एमएसटी सीटी का, एज इट इज वैसा ही पेपर बनाया है आपके सारे एचएससी के। पहले एचएससी को सबसे इंपॉर्टेंस हमने ज्यादा दिया है क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा उसमें क्वेश्चन आते हैं। 12th का 80% आता है तो हमने सबसे ज्यादा वेटेज 12th को दिया है पेपर में, ठीक है। सोर्स ऑफ क्वेश्चन आप पहले समझो, एचएससी का बुक, वेस्ट बंगाल जी, कर्नाटका जी, जितने कर्नाटका सीटी, जितने सीटीज होते हैं, गुजरात सीटीज जितने होते हैं, उनके सारे मिक्सअप क्वेश्चन। तीसरा सोर्स ऑफ क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपको, बोर्ड्स के क्वेश्चन, बोर्ड्स के जो एमसीक्यूज आते हैं वो रिपीट होते हैं, वो भी हमने उठा के मॉक टेस्ट में डाल दिए, ठीक है। जैसा आपका पेपर आता है ना वैसा ही पेपर बनेगा। तीन सोर्सेस मैंने बता दिए और कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि जेई के जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो भी डल जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन डाले गए, ठीक है। जेई के हमने हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन डाल दिया है ताकि वो एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, वो सीटी में कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है, एज इट इज, कोई वैल्यू चेंज नहीं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है और वही क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ 20 मॉक टेस्ट अगर आप लगा के जाओगे ना, 20 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज वगैरह ये करने मत जाना अभी, ठीक है। मैं आपको बड़े भाई की तरह मुझे ट्रीट करो, ये टाइम नहीं आपको हर एक चैप्टर की मॉक टेस्ट करने का। और चैप्टर की मॉक टेस्ट करने से अच्छा आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लो या फिर बुक्स में कर लो, तो उसमें मॉक टेस्ट की क्या जरूरत है। ये जो दे रहे ना वो बेवकूफ है, ठीक है, जो आपको दे रहे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो, 20 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगाओ, 20 मॉक टेस्ट, 3000 क्वेश्चन। अगर 3000 क्वेश्चन बाहर कोई प्रोवाइड कर रहा है ना तो मुझे बताओ, ठीक है। तो आप लॉजिकल रहो, ठीक है। और जो पांचवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा ट्रैक पे रखा, वो है आपका PYQs, एमएसटी सीईटी के PYQs, वो सबसे ज्यादा डले जाते हैं। आप ऑब्जर्व करो, खुद ऑब्जर्व करो, आप 5 साल के पेपर निकालो सामने रखो और देखो मैच क्वेश्चन कितने, आपको खुद मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने मॉक टेस्ट में डाले और वो क्वेश्चंस भी आपके आएंगे पेपर में, ठीक है। तो प्लीज आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई क्यों मैं जानता हूं, ठीक है। तो उनके लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाई उसके ऊपर पहले तो न्यूमेरिकल कराया गया है, उसके बाद उसके ऊपर PYQs कराए गए, उसके नोट्स प्रोवाइड किए, फॉर्मुला शीट्स प्रोवाइड किए। अगर इतना कोई प्रोवाइड कर देता है ना यार, मैं
आपको 50-60 हजार मांग लेंगे, 5-10-15-20-30-40 हजार मांग लेंगे, उतने आपको देने नहीं, मम्मी पापा का पैसा आपको बचाना है, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे सोर्सेज बता दिया, और आज का वीडियो थोड़ा सा आपको एग्रेसिव लगा होगा, क्योंकि मैंने देखा ना यार कि मैं खुद भड़क रहा था जो मैं चीज़ें देखी मैंने, कि एज इट इज़ मेरा कंटेंट उठाया गया, मैम का कंटेंट उठाया गया, हम मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, ठीक है, और कोई कॉपी कर रहा है ना, तो वो सबसे बुरी बात है, कॉपी नहीं करना है, ठीक है। कॉपी करोगे तो आप कितनी देर तक कॉपी करते रहोगे, ठीक है। हम और भी चीज़ें करते हैं, 10 चीज़ें और करते हैं, वो भी कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें मत करो, मैं जिसको बोल रहा हूँ उसको पता है वो चीज़, ठीक है, तो मत करना ये सब चीज़ें। आपको भी पता है आपके सिर के ऊपर जिनका हाथ है, ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, है कि नहीं, तो कभी ना कभी तो हटना ही है, तो इसलिए अभी से प्रिपेयर हो जाओ, अभी से सीखो चीज़ें, है कि नहीं। एज इट इज़ कॉपी मत करो, कॉपी करने वाली चीज़ चलती नहीं, ठीक है, तो कॉपी मत करो, अपने हिसाब से चीज़ें डेवलप करो, और एग्रेसिवली मत लेना एक चीज़ को, पॉजिटिव ले लेना कि मैंने आपकी बेटरमेंट के लिए चीज़ बोली है, ठीक है। तो ख़त्म करता हूँ मैं वीडियो को, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है। कुछ भी क्वेरी रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे एक एंगेजमेंट क्रिएट हो रही है अपनी, ठीक है। मैम आपको पीवाई क्यूज देती है, मैम आपको क्वेश्चंस डालती है, वहाँ पे आप टिक मार्क मारते हो, आपकी क्वेरीज सुनते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैम को फॉलो कर लेना, मैम वहाँ पे आपको आपकी क्वेरीज सॉल्व करती है, 1-to-1 क्वेरीज सॉल्व करती है, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, कुछ पैसे नहीं लगते, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।